हेलो एंड वेलकम टू ऑल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक फाइव ऑफ चैप्टर सेवन जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एक ऑडिटर का टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्यों क्योंकि अगर एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होगा ना तो वो असिस्ट करेगा ऑडिटर को भी और टीसीडब्ल्यूजी को भी उन मैटर्स को समझने में जो रिलेटेड होते हैं हमारी ऑडिट से और एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्ड करने में एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में बट जैसा कि हमें पता है वो जो भी रिलेशनशिप हो वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे इन दो चीज़ों को थ्रेट ना हो और ये कैसे होगा जब एक ऑडिटर और टी सी डब्ल्यू जी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से फिर ये ऑडिटर को असिस्ट करेगा इन्फॉमेसन ऑप्टेन करने में फ्रॉम टी अब जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल टी सी डब्ल्यू जी हेल्प कर सकती है ऑडिटर को ये समझने में कि एन टी टी और उसकी एनवायरनमेंट कैसी है कैसे एन टी टी काम करती है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है कि क्या अप्रोप्रिएट सोर्सेज होंगे उनके लिए ऑडिट एविडेंस के और उनको इंफॉमेसन प्रोवाइड करा सकती है अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और इवेंट्स और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी की हेल्प कर सकती है इन फुलफिलिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी टू ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जिससे रोमम का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा तो एज हमने अभी तक इतनी जगह पर टीसीडब्ल्यूजी टीसीडब्ल्यूजी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कम्युनिकेट करना इतनी चीज़ें पड़ी है तो अब ये भी सोचते हैं कि ये टी होते कौन है वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी और उसके ऑब्लिगेस रिलेटेड टू उसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हें कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस दैट इज़ समझ लो जिसके हाथ में कंपनी की डोर है उसे पता है कि कंपनी के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है किस तरफ जाना है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है दिस इंक्लूड्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अब कुछ एंटिटीज़ ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे टी इंक्लूड करेगा मैनेजमेंट पर्सनल को भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्जीक्यूटिव मेम्बर ऑफ गवर्नेंस बोर्ड या कोई ओनर मैनेजर जो ओनर है वही मैनेजर है तो अब वहाँ पे वही टी सी डब्ल्यू जी होगा वहाँ वहाँ पे वही मैनेजमेंट होगा अब जो ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता है ये वेरी करता है ऑब्वियस सी बात है वेरी करेगा ही हर एंटिटी में सेम तो नहीं होगा क्या क्या चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो ये वेरी करता है डिफरेंट कल्चरल लीगल बैकग्राउंड्स साइज एंड ओनरशिप करेक्टरिस्टिक्स जितनी ज़्यादा बड़ी फॉर्म होगी उसमें उतना ही ज़्यादा गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे टॉप लेवल मिडिल लेवल लो लेवल हो सकता है अब कोई ऐसी फॉर्म है समझो आ कोई प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो वहाँ पे टॉप मिडिल लोअर सब तो एक ही इंसान परफॉर्म करता है ना सारी एक्टिविटी इसलिए साइज़ और ओनरशिप के बेसिस पे भी ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी करती है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी एंटिटी हो सकती है जहाँ पर एक सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट करेगा तो साथ में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी एग्जिस्ट करेगा वहीं कुछ एंटिटी ऐसी होगी जिसमें सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एक ही बोर्ड परफॉर्म कर रहा है कुछ एंटिटीज़ ऐसी होगी जिसमें टी सी डब्ल्यू जी एक ऐसी पोजीशन होल्ड करेगा ना जो इंटीग्रल पार्ट है एक एंटिटी की लीगल स्ट्रक्चर का तो वहीं कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे टी सी डब्ल्यू जी इन्वॉल्व होगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में एंटिटी को मैनेज करने में दैट इज़ टी सी डब्ल्यू जी और मैनेजमेंट दोनों सेम ही है कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे दोनों अलग हो कुछ एंटिटीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ गवर्नेंस एक करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कुछ लोगों की जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरवाइजरी बोर्ड पार्टनर्स प्रोपराइटर्स कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्टी मतलब कोई एक ऐसी एंटिटी होगी जिसके पास ये सारे पर्सनस होंगे तो वहीं कोई एंटिटी ऐसी हो सकती है लाइक स्मॉलर एंटिटी जिसमें जो ओनर है वही मैनेजर है अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से ना ये पॉसिबल नहीं होता ऑडिटर के लिए समझ पाना कि हम किससे कम्युनिकेट करें कोई पर्टिकुलर मैटर कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको तो ये भी नहीं पता है कि ओनर मैनेजर जो भी है वो कौन है क्या है जैसे फैमिली ओन्ड बिजनेस मान लो जहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर कुछ फॉर्मली डिफाइंड नहीं है अब ऐसे केसेस पे ऑडिटर क्या करेगा जब आप अपना ऑडिट के लिए ऑडिट एंगेजमेंट तैयार करोगे आप एग्रीमेंट पर साइन करोगे तभी आप ये डिस्कस कर लोगे एग्री कर लोगे एंगेजिंग पार्टी से कि अगर कोई भी मैटर होता है तो उसके लिए कम्युनिकेट किससे करना है और ये डिस्कस करते वक्त ये डिसाइड करते वक्त कि किससे कम्युनिकेट करना है ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की इन अकॉर्डेंस विद ऐसे तीन सौ पंद्रह अब ये कम्युनिकेट जो ऐसे एस ऐस पर ऐसे तीन सौ पंद्रह है वो क्या कैसे होगा मान लो फॉर आप आपकी कोई फैमिली बिजनेस है जिसको रन करते हैं आपके फादर उनके छोटे भाई और उनके बड़े भाई अब आप वहाँ की ऑडिट करने जा रहे हो तो आप इनसे डिस्कस करोगे कि अगर मुझे किसी भी तरह की इशू हो रही है कोई भी मेरे को मैटर दिख रहा है तो मुझे आप तीनों में से किससे डिस्कस करना है तो सबने डिसाइड किया जो सबसे बड़े हैं उनसे डिस्कस करो या हो सकता है ये सबसे बड़े हैं बट जो बिजनेस का मोस्ट ऑफ द काम संभालते हैं वो ये हैं तो फिर आप इनसे डिस्कस करोगे दैट इज़ आप ये समझोगे कि ये तीनों क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कौन किस चीज़ को देखता है क्या चीज़ को हैंडल करता है जै देट इज़ किस पास ज़्यादा नॉलेज होगी अगर आपको कोई मैटर जानना है तो आपको किसके पास जाना चाहिए फिर आप ये डिसाइड करोगे सो वॉट इज़ द स्कोप ऑफ एस ए टू सिक्सटी कम्युनिकेशन विद टी सी डब्ल्यू जी ये डील करता है एक ऑडिटर की रिस्पॉसिबिलिटी से टू कम्युनिकेट विद टी सी डब्ल्यू जी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन एस पर ऐसे टू सिक्सटी ऑडिटर की कुछ ऑब्जेक्टिव होती हैं द ऑबजेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स आ कि वो क्लियरली कम्युनिकेट कर ले टी सी डब्ल्यू जी से कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट अब पता चल रहा है आपने ऑडिट एंगेजमेंट साइन कर ली आप काम करने गए टी सी डब्ल्यू जी बोल रही है चलो आप ही ख़ुद प्रिपेयर और प्रेजेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो क्या ये पॉसिबल है नहीं तो आप पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे डिस्कस कर लोगे उन्हें कम्युनिकेट कर दोगे एंड एन ओवर व्यू ऑफ़ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट फिर आपको टी सी डब्ल्यू जी से ऑप्टेन करनी होगी इन्फॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट हो टू ऑडिट और अगर ऑडिट करते वक्त तो आपकी नज़र में ऐसा कोई मैटर आ रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है और रेलिवेंट है टू टी सी डब्ल्यू जी टू ओवर ऑफ एफ आर एफ़ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस तो आप इनका भी टाइम ताँग, टाइमली ऑब्जर्वेशन करते हुए उनसे कम्युनिकेट करोगे टू प्रमोट एफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टी सी डब्ल्यू जी एंड ऑडिटर दैट इज़ ऑडिटर की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर देनी है एक ओवरव्यू दे देना है अपने प्लान स्कोप और टाइमिंग का ऑडिट के फिर इसके बेसिस पे आपको डी सी डब्ल्यू जी से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन करनी है और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको जो भी ऐसा कुछ मैटर दिख रहा है जो सिग्निफिकेंट और रेलिवेंट हो सकता है डी सी डब्ल्यू जी के लिए तो आप वो उनको कम्युनिकेट करोगे एंड एट लास्ट विथ ऑल दिस आपको प्रमोट करना है इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन डीटा माइनिंग अप्रोप्रिएट पर्सन विथ होम टू कम्युनिकेट तो ये पूरी तरीके से एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिटरमाइन करेगा कि उसे किससे कम्युनिकेट करना है अब जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था ना आपके फ़ादर उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई अब ये तीनों मिलके तो बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेट इनसे करो बट जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो उस बिज़नेस की उस एंटिटी की और उसके एन्वायरमेंट की तो आपको समझ आ रहा है कि ये तो ऐसा सच आपके बिज़नेस में कुछ करते नहीं है मेन काम जो भी है आपके फ़ादर करते हैं या उनके भाई करते हैं जो तो कि आपको लगेगा कि इनसे कम्युनिकेट करना फ़ायदेमंद है या कुछ काम आएगा नहीं तो ये ऑडिटर के ऊपर है कि वो डिटरमाइन करेगा कि उसे किस से कम्युनिकेट करना है अब वो क्या मैटर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर विथ टी सी डब्ल्यू जी देट इज़ ऐसे कौन से मैटर हैं जो ऑडिटर को टी सी डब्ल्यू जी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो सबसे पहला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है ऑब्जेक्टिव में कि ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही क्लियर कर देनी है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबसे पहले आप ये क्लियर करोगे कि आप एज अ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो टू फॉर्म ओपिनियन एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया गया है बाय मैनेजमेंट विद द ओवर साइड ऑफ टी सी डब्ल्यू जी और जस्ट बिकॉज आप ऑडिट करने आ रहे हो इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट या टी सी डब्ल्यू जी अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकेंगे या मतलब उनकी रिस्पॉसिबिलिटी है प्रिपेयर और प्रेजेंट करना बट वो बोल रहे हैं कि आप ऑडिट कर रहे हो ना आप ही प्रिपेयर कर लो ये नहीं हो सकता फिर दूसरा ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा अपनी प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट आप पहले ही क्लियर कर दोगे कि हमारी स्कोप सिर्फ इतनी है अब आप हमसे ये नहीं बोल सकते कि मैं आपका डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन करूँ क्योंकि वो मेरी स्कोप में आता ही नहीं है फिर टाइमिंग अब थर्टी सेप्टेम्बर से पहले रिपोर्ट इशू करनी है उसे अपना ओपिनियन फॉर्म करना है तो उसी के बेसिस पर टाइमिंग होगी अब ये तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले का बात था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे फिर उसके बाद इसमें ऑडिट एक्सेप्ट करोगे और ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो आप अपनी स्कोप और टाइमिंग भी बताओगे अब ऑडिट एक्सेप्ट तो कर ली जब आप काम कर रहे हो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलेगी ना आपको तो फिर अब हमें वो भी कम्युनिकेट करनी है टी के साथ अब हो सकता है आपको कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ दिखाए जो कि एक्सेप्टेबल तो है एस पर एफ आर एफ लेकिन वो उस टाइम पे मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा उस पर्टिकुलर सर्कम पे तो अब आपका व्यू क्या है उस सब सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे लाइक अकाउंटिंग प्रैक्टिस अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कलोजर आप ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करोगे टी सी डब्ल्यू जी से और उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ़ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट हो सकता है आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी थी डेटर से बट मैनेजमेंट ने रोक दिया मैनेजमेंट बोल रही है नहीं आप उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते तो ये जो डिफ़िकल्टी आई है ये आप जाके मैनेजमेंट को बताओगे कि आप टी सी डब्ल्यू जी को बताओगे कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने नहीं दे रही है अनलेस ऑल ऑफ टी सी डब्ल्यू जी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी अगर मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी दोनों अलग हैं तब ऐसे केस इस पे तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज़ हो रहे हैं या जो भी आपके डिस्कशन मैनेजमेंट से हुई है आप वो कम्युनिकेट करोगे टी सी डब्ल्यू जी से और जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से उसके बारे में भी आप कम्युनिकेट करोगे टी सी डब्ल्यू जी से बट ऑबस सी बात है ना अगर टी सी डब्ल्यू जी और मैनेजमेंट किसी फर्म के सेम है एक ही इंसान का मैनेजर का भी काम कर रहा है और वही टी सी डब्ल्यू जी का भी काम कर रहा है लाइक ओनर मैनेजर तो अब आप उस इसी को जाके कम्प्लेन तो नहीं करोगे ना कि अरे मैंने इससे ये काम करने बोला था इसने नहीं करके दिया इसलिए बोला है अगर वो अलग होंगे तो हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करने है अगर ऐसी कोई सकम्स्टांसिस अराइज़ हो रही है जो अफेक्ट कर सकती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म और कंटेंट को तो वो भी कम्युनिकेट करना है लाइक like जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था सब्सिक्वेंट इवेंट गोइंग कंसर्न बेसिस और ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज़ हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट और वो आपको आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे लगता है कि ये तो रेलिवेंट होगा टी सी डब्ल्यू जी के लिए जानना तो सबसे पहले अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिस एस्टिमेट्स को लेकर आपको कोई भी ईशू लग रहा है तो आप वो कम्युनिकेट करोगे फिर अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अराइज़ हो रही है तो वो कम्युनिकेट करोगे अगर मैनेजमेंट से आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है तो वो कम्युनिकेट करोगे अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टानसिस हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ऑडिटर रिपोर्ट की फॉर्म और कंटेंट अफेक्ट हो रही है तो वो भी कम्युनिकेट करोगे और कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर अराइज़ हो रहा है जो आपको आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर लगता है कि ये तो डी सी डब्ल्यू जी को जानना चाहिए तो वो भी कम्युनिकेट करोगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ लिस्टेड कंपनीज के केस में ऑडिटर को कम्युनिकेट करना रहता है विथ टी सी डब्ल्यू जी ये कम्युनिकेट करना होगा कि जो भी रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस उनके साथ कम्प्लाई किया जा रहा है ये कैसे कम्युनिकेट करोगे विथ अ स्टेटमेंट अ स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम या जो भी अदर्स हैं इन फॉर्म एज अप्रोप्रिएट या नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स दो तीन फॉर्म मिलकर ऑडिट कर रही है अगर तो वो सब कम्प्लाई कर रहे हैं रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस और अगर किसी भी तरह का रिलेशनशिप है या कोई भी अदर मैटर है बिटवीन द फर्म या नेटवर्क फर्म या एंटिटी जो ऑडिटर या प्रोफेशनल जजमेंट में रिजनेबल होगा टू बीयर ऑन इंडिपेंडेंस तो वो भी कम्युनिकेट करोगे जो इंक्लूड करेगा टोटल फीस जो भी आपने चार्ज की है ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑडिट और अगर कोई नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कराई है तो वो क्या सर्विसेज हैं नेटवर्क फ़र्म ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है क्या कम्पोनेट्स हैं जो कंट्रोल की जा रही है बाय द एंटिटी और इन फीस को आप कुछ इस तरीके से शो करोगे ऐसी कैटेगरीज में शो करोगे जिसके लिए टीसीडब्ल्यूजी को ये आसान होगा जिसके बेसिस पे ये समझ पाना कि क्या अफेक्ट होगा इन सर्विसेज का और इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर दैट इज़ आपने कोई ऑडिट सर्विस प्रोवाइड की और कोई नॉन ऑडिट सर्विस भी प्रोवाइड करी तो आप दोनों को ना बायफरकेट करके दिखाओगे इसके लिए मेरे को टेन के मिल रहे हैं इसके लिए मेरे को फ़ाइव के मिल रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट फिफ्टीन के लिख दी फीस में और अगर कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसके लिए क्या सेफ गार्ड लगाए गए हैं टू रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ये भी कम्युनिकेट करना होगा द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट करोगे तो सबसे पहले तो आपको डी के साथ ये कम्युनिकेट करना है कि क्या फॉर्म क्या टाइमिंग क्या एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ चलते फिरते कभी भी तो आप कम्युनिकेट करने बैठ नहीं जाओगे ना एक टाइम सेट होता है ना एक मीटिंग सेट होती है और कभी कुछ ऐसी फ़ाइंडिंग आपकी होती है ड्यूरिंग द ऑडिट जो आपको आपके प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे लगती है कि उसका ओरल कम्युनिकेशन करना एडिक्वेट नहीं होगा तो वहाँ पे आप रिटर्न कम्युनिकेशन करोगे और ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में हर एक मैटर आप बताओ जो आपको ऑडिट करते वक्त दिखा है जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स या मैटर्स आपको आपकी जजमेंट के बेसिस पे लगता है कि ये रिटर्न होना चाहिए आप सिर्फ उन्हें ही रिटर्न कम्युनिकेट करोगे और ये जो कम्युनिकेशन है ये टाइमली बेसिस पे होना चाहिए एडिक्वेसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑडिटर को ये इवेलुएट करना चाहिए कि ये जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन थी सी डब्ल्यू जी एंड ऑडिटर ये एडिक्वेट है या नहीं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और अगर ये एडिक्वेट नहीं है तो आप इसकी इफ़ेक्ट इवेल्यूट करोगे कि क्या इसका अफेक्ट पड़ सकता है आपके असेसमेंट ऑफ रोमम पे और आपकी एबिलिटी पे टू ऑपटेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे और फिर उसके बेसिस पे आप अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे डॉक्यूमेंटेशन देखो जो आपने रिटर्न में कम्युनिकेट किया है वो तो आपके पास है ही लिखा हुआ उसकी बस एक कॉपी रख लो एज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आपने ओरली कम्युनिकेट किया है ना उन्हें भी एटलीस्ट अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे इंक्लूड करो चाहे मैनेजमेंट से टी जी से आप ओरली कम्युनिकेट करो बट अपने पास आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में उसे रखना होगा और कब और किस ये कम्युनिकेशन की गई है ये भी डॉक्यूमेंट करना होगा वाई कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज़ इन इंटरनल कंट्रोल इज़ नेसेसरी अगर आपको इंटरनल कंट्रोल में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी दिख रही है और आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो ना इन राइटिंग विथ टी सी डब्ल्यू जी तो ये सबसे पहले तो इस मैटर की इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये मैटर है कि अब हम राइटिंग में इसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं और असिस्ट करेगा टी सी डब्ल्यू जी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ुलफिल करने पर स्कोप ऑफ एस ए टू सिक्सटी फाइव कम्युनिकेटिंग डेफिशियंज इन इंटरनल कंट्रोल टू डी सी डब्ल्यू जी एंड मैनेजमेंट ऐसे टू सिक्सटी फाइव डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली विथ डी सी डब्ल्यू जी और मैनेजमेंट अगर किसी भी तरह की डेफिशेंसी दिख रही है इंटरनल कंट्रोल में जैसा कि हमने ऐसे तीन सौ पंद्रह में पढ़ाई है कि ऑडिटर रिक्वायर्ड होता है टू ऑपटेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा आइडेंटिफाई और असेस कर रहा होगा रोमम की जब आप अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स डिकमाइन कर रहे होते हो डिसाइड कर रहे होते हो कि कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने तब आप कंसिडर करते चलते हो इंटरनल कंट्रोल की जो अप्रोप्रिएट होगा उस सर्कमस्टेंसेस में बट नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल अभी ये चेक करना है कि हम इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलाई कर सकते हैं क्या उसको भी डिसाइड करने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई होंगे मतलब पहले आप इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करके देख रहे हो अच्छा अच्छा रिजल्ट आ रहा है चलो रिलाई कर लेते हैं ऐसा हो सकता है या नहीं अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंटरनल कंट्रोल की के लिए रिस्क असेसमेंट कर रहे होगे तो अभी आपको जो भी डेफिशियज है वो पता चल जाए हो सकता है आगे अदर स्टेजेस ऑफ ऑडिट में भी आपको कोई डेफिशिएंसी देखने को मिले जो पहले नहीं दिखी थी ऐसे टू स्पेसिफाई करता है कि आपने जितनी भी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है उसमें से कौन सी डेफिशिएंसीज ज़रूरी होती है टू कम्युनिकेट विद टी सी डब्ल्यू जी एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एस ए टू सिक्सटी फाइव तो ऑब्वियसली बात है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही उसकी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कम्युनिकेट करे अप्रोप्रिएटली विद टी सी डब्ल्यू जी और मैनेजमेंट जो भी डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल उसे देखने को मिल रही है ड्यूरिंग द ऑडिट और वो एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस पर टी सी डब्ल्यू जी और मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना ज़रूरी है ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट डेफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल अब डेफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल कब बोलोगे जब ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती है ना जहाँ पे जो कंट्रोल आपने डिज़ाइन इंप्लीमेंट और ऑपरेट किया हुआ है वो प्रिवेंट डिटेक्टो करेक्ट कर ही नहीं पा रहा मैं स्टेटमेंट को या वो प्रिवेंट डिटेक्टो करेक्ट तो कर पा रहा है बट टाइमली बेसिस पर नहीं कर पा रहा जो कि ज़रूरी होती है टू डिटरमाइन अफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल अब ये तो डेफिशिएंसी हो गई इसमें से कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी अगर कोई ऐसी डेफिशिएंसी ऐसा कोई इशू या उसका कॉम्बिनेशन है जो ऑडिटर को उसके प्रोफेशनल जजमेंट में लग रहा है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर तो टी सी डब्ल्यू जी की और मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस हमें ड्रा करनी ही होगी अटेंशन हमें ड्रा करनी ही होगी अब ना किसी भी डिफिशियंसी का जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा हमें स्टेटमेंट एक्चुअली अकर हो चुका है बट ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने चांसेस हैं आगे मिस स्टेटमेंट अकर होने के और अगर अकर होगा तो उसका क्या पोटेंशियल मैग्नीट्यूड होगा किस लेवल पे वो अफेक्ट कर सकता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ऐसा हो सकता है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तब भी एग्जिस्ट करे जब एक्चुअल में ऑडिटर ने किसी भी तरह के मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया है ज़रूरी नहीं है कि अभी मिस स्टेटमेंट नहीं है मतलब इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है हो सकता है आगे जाके तो बहुत ज़्यादा भयानक मिस स्टेटमेंट देखने को मिल जाए कुछ ऐसे मैटर्स के एग्जाम्पल जो ऑडिटर कंसिडर कर सकता है एज अ सिग्निफिकेंट डेफिशियंसी द लाइकलीहुड ऑफ अ डेफिशियंसी लीडिंग टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपको कोई ना कमी दिखी इंटरनल कंट्रोल में जो आपको लग रहा है कि ये जो कमी है ये जो डेफिशियसी है ये पक्का रिजल्ट कर सकती है एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट पर तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशियंसी हुई जहाँ पे आपको चांसेस दिख रहे हैं टू लॉस और फ्रॉड ऑफ़ रिलेटेड एसेट्स एंड लाइवलीटी बैलेंस शीट आइटम ही डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट अफेक्ट नहीं हो रहा डायरेक्ट एसेट या लाइविलिटी अफेक्ट हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है एस्टिमेटेड अमाउंट्स को डिटरमाइन करने पे सच सचेज़ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपको एस्टिमेट जो प्रोवाइड कराए गए हैं आपने उसको रिकैलकुलेट करके चेक करना चाहा बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है किसी भी डिफिशियंसी की वजह से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट अफेक्ट हो रहा है कितनी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है जो अकर हो सकती है या अकर हो चुकी है अकाउंट बैलेंस में क्लासेज ऑफ ट्रांजैक्शन में जिसमें कोई किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी या डेफिशियज है दैट इज़ आपको कोई अकाउंट बैलेंस में बहुत सारी गलतियां देखने को मिल रही है जो एक्चुअली अकर हो चुकी है तो आपको इससे पता चलेगा यहाँ पर तो बहुत भयानक डेफिशियंसी है इसमें तो गलती पर गलती हो जा रही है या आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि गलती हो सकती है अब कोई ऐसा कंट्रोल है जिसकी लाइवलीहुड ऑफ डेफिशियज ज़्यादा नहीं है या वो एसेट लाइबिलिटी या लॉस से रिलेटेड नहीं है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है या एक्सपोज नहीं है टू डेफिशियज उसकी वॉल्यूम भी कम है बट वो इम्पॉर्टेंट है टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल अब जो मॉनिटर कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं वही वीक है वही ढंग से मॉनिटर नहीं कर रहा है तो ये पता कैसे चलेगा कि काम सही है या नहीं कंट्रोल्स ओवर prevention एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड कंट्रोल्स ओवर selection एंड एप्लीकेशन ऑफ significant अकाउंटिंग policies पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है पर जिस पॉलिसी को यूज़ करके बनाए वो पॉलिसी ही खराब है वो पॉलिसी ही अप्रोप्रिएट नहीं है तो अपने आप ये तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार हो गया कंट्रोल्स ओवर सिग्नीफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़ कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड है द एंटीज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आप किसी एक इंसान को ऐसे बाकी कस्टमर को सौ रुपये में जो सामान दे रहे हो वहीं किसी दूसरे पर्सन को आप पचास रुपये में दे रहे हो तो कोई तो रीजन होगा इसके पीछे तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये कम्युनिकेट करना होगा टी सी डब्ल्यू जी या मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल्स ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जैसा कि हमने चैप्टर फाइव में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट फ्रॉड या किसी भी तरह का इशू होता है ना वो पीरियड एंड में ही होता है तो पीरियड एंड में जो भी कंट्रोल लगा है उसके रिगार्डिंग एक छोटी से छोटी डेफिशिएंसी भी हम डिस्कस करेंगे विथ मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी जो भी अप्रोप्रिएट होगा द कॉज एंड डेफिशिएंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी अब ना किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल में डेफिशिएंसी होने की वजह से कोई एक सिचुएशन अगर हो रही है कोई एक स्टेटमेंट अगर हो रही है ये मैं स्टेटमेंट क्या क्या कर सकती है इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है क्या एक में स्टेटमेंट हो रही है या हज़ार ट्रांजेक्शन है तो हज़ार में से नौ सौ ट्रांजेक्शन में तो मैं स्टेटमेंट है ही है उसकी कितनी क्या काजेज़ हैं उसकी कितनी फ्रिकुनसी है अगर फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है तो कम्युनिकेट करना होगा अगर उसके काज़ बहुत ज़्यादा हैं तो उसे कम्युनिकेट करना होगा हो सकता है कोई डेफिशिएंसी अकेले में तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है पर जब वो इंटरेक्ट कर रही है दूसरी डेफिशिएंसीज के साथ तब तो आपके बिज़नेस को बहुत ही बड़ा अफेक्ट होने वाला है तो इसके लिए हम चेक करेंगे एक डेफिशिएंसी दूसरे डेफिशिएंसीज के साथ इंटरेक्ट करते वक्त कैसे रिएक्ट कर रही है क्या वो अफेक्ट कर रही है बिजनेस को या ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट बैलेंसेस को अब क्या आपको बस ऑडिट करना चालू कर दे ये पता चल जाएगा अरे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है कोई तो रीजन होगा कुछ तो ऐसे इंडिकेटर होंगे जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है आपको बहुत ही ज़्यादा इन इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट पे दैट इज़ फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स जिसमें आपको दिख रहा है कि मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनको अप्रोप्रिएटली स्क्रूटीनाइज ही नहीं कराया गया है बाई डी सी डब्ल्यू जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड किसी भी तरह का फ्रॉड देखा तो गया है बट उसके अगेंस्ट अब कोई प्रिवेंशन नहीं कर रही है एन डी टी आपको दिखा एक मैनेजमेंट कैश चोरी करता है आपने एक बार उसको डांट के छोड़ दिया कुछ प्रिवेंशन नहीं ली उसके अगेंस्ट अब कुछ ऐसी डेफिशिएंसी है जो मैनेजमेंट को पहले से दिख गई थी बट मैनेजमेंट ना उसके अगेंस्ट कोई अप्रोप्रेट रेमेडियल एक्शन नहीं ले रहा है इससे क्या समझ में आता है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता तो वो तुरंत एक अच्छी एक्शन लेता और उस पर वर्क करता तो जब आपको ये सब सिचुएशन देखने को मिलती है ना तो आपको ये समझ आ जाता है कि यहाँ का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है एबसेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विद इन द एंटिटी अब हमने जो इतने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमें इतना तो समझ आ गया है कि ऑडिटर तो चेक करता ही है बट साथ साथ मैनेजमेंट भी पहले से चेक करती रहती है कि क्या किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है हमारे बिजनेस में अब आप देख रहे हो यहाँ इस एन की मैनेजमेंट ऐसी है जो तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं कर रही है मतलब इंटरनल कंट्रोल उसका अच्छा नहीं है या जब आप ऑडिट कर रहे हो आपने ना एक रोमा आइडेंटिफाई किया जो कि इतना ऑब्वियस है कि अगर मैनेजमेंट कोई नॉर्मल सा भी प्रोसेस अप्लाई करती तो वो आइडेंटिफाई कर लेती बट वो कोई इनफेक्टिव रैप परफॉर्म कर रही है वो अच्छा कुछ प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही इस रोमम को जो एक ऑडिटर को लगता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे कि अगर उन्होंने अच्छी तरीके से एक अफेक्टिव रैप परफॉर्म किया होता तो वो आइडेंटिफाई कर सकते थे इससे आपको समझ आएगा कि इंटरनल कंट्रोल वीक है क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं एविडेंस ऑफ एन इनफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क अब अच्छे से काम तो कर लिया रिस्क भी आइडेंटिफाई कर ली बट उसके अगेंस्ट अब रिस्पॉन्स ढंग का नहीं कर रहे हो आपको दिख रहा है कोई कैश चोरी कर रहा है आप उसको चिल्ला रहे हो आप उसको कैश के डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल रहे हो जहाँ पे अब वो सामान चोरी कर रहा है आपने एक्शन तो ली बट एकदम इनफेक्टिव थी वो मिस स्टेटमेंट जो आप डिटेक्ट कर रहे हो जिसे ना तो प्रिवेंट किया गया ना ही डिटेक्ट किया गया और अगर डिटेक्ट कर लिया तो करेक्ट नहीं किया गया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर दिख रही है ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड एस प्राया पेरियड आइटम्स मतलब आपको सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि पहले एन ने ये ये गलतियाँ कर रखी है जो कि अभी तक नहीं सुधारी है उसके अगेंस्ट डिस्क्लोजर भी दे दिया है एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इन एबिलिटी टू ओवर सी द प्रिपरेशन ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया है जो प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बस हो गया बट उसने प्रिपेयर किया काम ख़त्म मैनेजमेंट चेक ही नहीं कर रही है तो so, ये एक बहुत बड़ा इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी होता है डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल एक ऑडिटर को डिटरमाइन करना होगा उसके ऑडिट वर्क जो उसने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे कि क्या ऑडिटर ने ऑप्टेन की क्या ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है एक या एक से ज़्यादा डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल और अगर आइडेंटिफाई करी है तो अब ऑडिटर को डिटरमाइन करना होगा अपने ऑडिट वर्क जो उसने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे कि क्या ये जो डिफिशेंसीज़ हैं वो इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में कॉन्स्टिट्यूट करती है सिग्निफिकेंट डिफिशियंसिस अब सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी कब बोलते हैं ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है तो आप ये चेक करोगे कि क्या ये एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रही है क्या इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है या ये किसी भी तरह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिग्नीफिकेंटली अफेक्ट कर रही है और उसके बेसिस पे आप बताओगे कि क्या ये एक सिग्नीफिकेंट डिफिशियंसी है अब एक बार जो आपने रिटामाइज कर ली अब आपको कम्यूनिकेट करनी होगी ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसिस विथ टी सी डब्ल्यू जी तो ऑडिटर टी सी डब्ल्यू जी के साथ तो कम्युनिकेट करेगा किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है वो बट वो साथ में अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से भी जिसके पास एक लेवल ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनसे भी कम्युनिकेट करेगा ऑन टाइमली बेसिस और ये कम्युनिकेशन होगा राइटिंग में जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी देखी गई है जो ऑडिटर ने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लिया विद टी सी डब्ल्यू जी या वो इंटेंड करता है टू कम्युनिकेट एड विथ टी सी डब्ल्यू जी अनलेस उसे ये लगे कि ये इन अप्रोप्रियट होगा टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ मैनेजमेंट अगर उसको लग रहा है ना कि डायरेक्टली मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता देन वी विल कम्युनिकेट इट टू टी सी डब्बू जी एंड आफ्टर दैट विथ मैनेजमेंट या ऐसी कोई डेफिशियंसी जो आपने ड्यूरिंग द ऑडिट आइडेंटिफाई तो की है पर वो कम्युनिकेट नहीं की गई मैनेजमेंट से जो आपको आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पर लगता है कि कम्युनिकेट की जानी चाहिए उस पर मैनेजमेंट का अटेंशन होना चाहिए द ऑडिटर शेल इंक्लूड इन द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिक इन इंटरनल कंट्रोल दैट इज डिटर रिटर्न कम्युनिकेशन करेगा अबाउट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल तो वो एक डेस्क्रिप्शन देगा उन डेफिशिएंसीज का और एक्सप्लेन करेगा कि क्या उनके पोटेंशियल अफेक्ट हो सकते हैं और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट समझ पाए कि, कि किस कंटेक्सट पर यह कम्युनिकेशन की जा रही है इन पर्टिकुलर ऑडिटर शैल एक्सप्लेन देट मतलब सिंपल वर्ड्स में ऑडिटर को ये एक्सप्लेन सबसे पहले दैट द पर्पज ऑफ़ द ऑडिट वॉज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इंक्लूड करती है कंसिड्रेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो कि रेलिवेंट है प्रिपरेशन ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके जिसके बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स जो अप्रोप्रिएट होगी उन सर्कमस्टांसिस में पर जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल देट इज़ पहले आप अपना ये चेक करते हो कि कितना अफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है फिर उसके बेसिस पे आप कंसिडर करते हो इंटरनल कंट्रोल को उस पर रिलाई करते हो जब आपको डिज़ाइन करना है ऑडिट प्रोसीजर्स और जो भी मैटर्स आपको रिपोर्ट की जा रही है आप मैनेजमेंट को बता रहे हो कि जो भी मैटर्स आप उनको रिपोर्ट कर रहे हो वो लिमिटेड है उन डेफिशिएंसीज तक जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है ड्यूरिंग द ऑडिट और जो ऑडिटर को लगता है कि सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस का है सफिशियंट इम्पॉर्टेंस का है जो जो रिपोर्ट किया जाना चाहिए टी सी डब्ल्यू जी को सो हियर वी आर डन विद अवर चैप्टर सेवन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना कि स्टडी सॉल्व करना इनके कोई डाउट हो यू कैन आस्क एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट